नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन। बार बार नहीं बदल सकते आधार में अपना नाम और जेंडर। इस दिन से ले सकेंगे जू सफारी का मजा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद केएल राहुल के फ्लॉप शो पर आग बबूला हुए फैंस। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाए खाए से हुई। बीते दिन छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। राजधानी पटना सहित तमाम छोटे बड़े शहर गांव के घाटों पर काफी भीड़ देखी गई। राजधानी के घाटों पर इतनी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन के संभालने में पसीने छूट गए। वहीं आज उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर यह 4 दिनों का महानुष्ठान का समापन हो रहा है। हिंदू धर्म में छठ पर्व को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पर्व को करने से माता छठी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जो बिल्कुल प्रकृति को समर्पित है। इसमें सूर्य की उपासना की जाती है, जिसमें साफ सफाई शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है और सूर्य एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें प्रतिदिन दिखाई देते हैं। पुण्यार्क सूर्य मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार के साथ साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ पूजा की धूम है। ऐसे में हम आपको एक विशेष सूर्य मंदिर के दर्शन को लेकर चलेंगे जो अपने बिहार में ही स्थित है। राजधानी पटना से करीब 75 किलोमीटर दूर पूरब की ओर पंडारक गांव स्थित यह सूर्य मंदिर लोगों के बीच बिल्कुल जीवंत है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वंशज सांब को कुष्ठ व्याधि हुई, जिससे मुक्ति के लिए सांब ने देश के 12 जगहों पर भव्य सूर्य मंदिर बनवाए थे। उन्हीं 12 मंदिरों में पुण्यार्क सूर्य मंदिर एक है। यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ गर्भगृह मौजूद है। 4 दिवसीय महापर्व छठ के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। आस्था और विश्वास का अनुपम मेल देखने को मिलता है। यहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जो बीती रात की यानी कि छठ के पहले अर्घ के दिन की है। इस दिन मंदिर स्थित गर्भगृह का विशेष श्रृंगार किया जाता है और आरती की जाती है। आरती के बाद प्रसाद के तौर पर मुख्य रूप से पेड़ा का वितरण किया जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई भी सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर आता है वो देर सवेर पूरी हो ही जाती है। खासकर जिन्हें चर्म रोग की समस्या होती है वो दूर हो जाता है। मनोकामना पूरा होने के बाद यहाँ दूर से लोग छठ करने भी आते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आज से भरे आवेदन। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन आज से भरा जाएगा। परीक्षार्थी सेंटर के लिए मनचाहा शहर भी पा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम लागू होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अधिक जानकारी cet.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि व सेंटर की जानकारी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। CBSE ने कहा है कि परीक्षा शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विंध्यवासिनी देवी की। विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला भी कहा जाता है, जिन्होंने न केवल बिहार के लोकगीतों को अपनी आवाज दी बल्कि उनका संकलन भी किया। विंध्यवासिनी देवी का जन्म 5 मार्च 1920 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम जगत बहादुर था। जन्म के समय ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। विंध्यवासिनी देवी का लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी नानी के घर हुआ। नाना के प्रोत्साहन से गुरु क्षितिश चंद्र वर्मा से सानिध्य में उनकी संगीत में विधिवत शिक्षा आरंभ हुई। मगही, मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी कला सेवाओं और उपलब्धियों को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी दिल्ली ने अपनी सदस्यता सौंपी। देवार्क सूर्य मंदिर में अभी तक पहुंचे लाखों श्रद्धालु। देव का अत्यंत प्राचीन सूर्य मंदिर देवार्क वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है और देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहां छठ व्रत करने से कामनाओं की पूर्ति होती है और यही वजह है कि औरंगाबाद के देव नामक स्थान पर स्थित देवार्क सूर्य मंदिर में अभी तक लाखों लोग पहुँच चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू है। मिली जानकारी के मुताबिक छठ मेला में अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु देव पहुँच चुके हैं।
बीते दिन सुबह से ही देव के कथित त्रेता युगिन सूर्य मंदिर में स्त्री पुरुष श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान भास्कर का दर्शन पूजन और अर्चना कर रहे हैं। आज सुबह के अर्घ देने तक यह भीड़ यथार्थ बनी रहेगी। इसी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल देव में लगने वाले 4 दिवसीय सुप्रसिद्ध छठ मेला में बिहार के कोने कोने और दूसरे राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दिन से ले सकेंगे जू सफारी का मजा। लोक आस्था के महापर्व कार्तिक छठ पूजा को लेकर नालंदा वन प्रमंडल के द्वारा 30 और 31 अक्टूबर को वन प्रमंडल के अधीन आने वाले सभी पर्यटन स्थल को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आज जिले भर के पार्क, उद्यान, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। वहीं 1 नवम्बर से सभी स्थल पूर्व की तरह निर्धारित समय पर खुल जाएंगे। इसी प्रकार जू सफारी भी बंद रहेगी। आपको बताते चले कि VTR यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी 1 नवम्बर से खुलने जा रहा है। मानसून की बारिश और बाढ़ साथ ही साथ आदमखोर बाघ की वजह से अपने निर्धारित समय 15 अक्टूबर को नहीं खुल सका। VTR आगामी 1 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बार नहीं बदल सकते आधार में अपना नाम और जेंडर। कई बार आधार बनवाते वक्त कई जानकारियां गलत दर्ज हो जाती हैं या फिर वे अधूरी होती हैं। इसके कारण बाद में आधार कार्ड इस्तेमाल करते वक्त परेशानी हो सकती है। इसलिए आधार में सभी जानकारियों का संपूर्ण होना जरूरी है। इससे जुड़ी हम आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं। जैसे UIDAI ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम में बदलाव करने की इजाजत देता है, लेकिन नाम अपडेट केवल 2 बार ही कर सकते हैं। वहीं जेंडर अपडेट करने का केवल एक ही मौका UIDAI देता है। UIDAI के अनुसार कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि दर्ज होने पर इसे केवल 1 बार ही अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं आधार में घर के एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन को आप बार बार अपडेट करा सकते हैं। गया से बैंकॉक के लिए सीधी हवाई सेवा फिर से हुई शुरू। बीते दिन थाई एयर एशिया के विमान का गया हवाई अड्डा पर फिर से आगमन हुआ। इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए गया हवाई अड्डा पर थाई एयर एशिया के विमान को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अग्निशमन कर्मियों द्वारा वाटर कैनल सैल्यूट दिया गया। बीते दिन से ही गया एयरपोर्ट पर थाई स्माइल का भी आगमन हुआ। बता दें कि थाई स्माइल का परिचालन बैंकॉक गया बैंकॉक सेक्टर पर पूरे सप्ताह किया जाएगा। एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी बल्कि इससे एयरपोर्ट को भी फायदा होगा। इसके अलावा स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सुबह के अर्घ के दौरान कुछ ऐसा रहेगा बिहार का मौसम। बिहार की फिजा में छठ के लोक गीत घुल गए हैं। वहीं मौसम भी छठी मैया का स्वागत करने को तैयार है। छठ के दौरान मौसम में ठंडी रहेगी और सुबह शाम हल्का कोहरा भी रहेगा। इस दौरान भगवान भास्कर खिलकर छठ व्रतियों को दर्शन देंगे। सुबह के अर्घ के दौरान हल्की धुंध रहेगी। इस दौरान व्रतियों को सावधान रहने की जरूरत है। जो भी श्रद्धालु घाट पर रहेंगे उन्हें गर्म कपड़ों के साथ रहना होगा। इस दौरान पछुआ हवा का प्रवाह रहेगा, साथ ही मौसम में ठंड बढ़कर रहेगी। इस स्थिति में श्रद्धालुओं को खुद का ख्याल रखना होगा। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घाट पर गर्म कपड़े के साथ जाना होगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में तापमान में गिरावट की बात कही गई है। हालांकि इन 5 दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और रिन्यू कराना होगा आसान। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण पॉलिसी की बिक्री, रिन्यूअल और दावों के निपटारे समेत विभिन्न सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म की सुविधा देने वाले बीमा सुगम पर काम कर रहा है। बीमा सुगम से बीमा की खरीद बिक्री, पॉलिसी से जुड़े काम, दावों का निपटारा जैसे सभी काम हो सकेंगे। बीमा कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से काम होंगे। उन्हें बताया गया है कि एजेंट, वेब एग्रीगेटर समेत सभी बीमा मध्यवर्ती की इस पोर्टल तक पहुंच होगी। यह प्लेटफॉर्म पॉलिसी धारकों और संभावित ग्राहकों को उत्पाद, कंपनी और भुगतान के कई विकल्प देगा। ठंड के मौसम में पटना एयरपोर्ट से 52 जोड़ी विमान उड़ेंगे। राजधानी पटना के एयरपोर्ट में उड़ने वाली फ्लाइट को लेकर विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह विंटर शेड्यूल 30 नवंबर तक के लिए जारी किया गया है। यह शेड्यूल 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कुल 52 जोड़ी विमानों का संचालन राजधानी पटना के एयरपोर्ट से किया जाएगा, जिसमें सुबह 8:25 की पहली उड़ान एयरपोर्ट से भरी जाएगी। वहीं इस एयरपोर्ट की आखिरी उड़ान 9:40 की होगी। फिलहाल यह शेड्यूल 30 नवंबर पूरे 1 महीने के लिए जारी रहेगा।
सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी। बिहार बोर्ड ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रश्न पत्र बुकलेट सेट कोड A to Z की आंसर की बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। आंसर की वेब पोर्टल पर 3 नवम्बर 2022 तक मौजूद रहेगा। बता दें कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 20 अक्टूबर को हुई थी। इसका आयोजन प्रदेश के 5 शहरों में किया गया था। परीक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं कक्षा के छात्र शामिल हुए थे। सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6वीं कक्षा में एडमिशन के लिए हुई थी। 22 वर्ष बाद भी नहीं निकला झारखंड बिहार के पेंशन दायित्व के बंटवारे का हल। झारखंड को बिहार से अलग हुए 22 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक झारखंड और बिहार के बीच पेंशन दायित्व के बंटवारे का विवाद का हल नहीं निकला है। दोनों राज्यों के महालेखाकारों को अब यह कैलकुलेशन करने को कहा गया है कि राज्य बंटवारे के बाद पूर्व की अवधि का किस राज्य से कितनी राशि का भुगतान किया गया है। इसका आंकड़ा आने के बाद ही अब उसकी हिस्सेदारी का निर्धारण हो सकेगा। बता दें कि दोनों राज्यों के बीच पेंशन का दायित्व क्या होगा, यह अब तक अंतिम रूप से तय नहीं हो पाया है। झारखंड सरकार ने बिहार को राज्य बनने के बाद की अवधि के पेंशन दायित्व मद में करीब 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद राज्य गठन से पूर्व के बकाया मद में पेंशन की राशि करीब 750 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे होगा नए आईटी नियमों का असर। केंद्र सरकार ने आईटी से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतों के लिए एक अपीलीय पैनल गठित किया जाएगा जो यूजर्स की समस्याओं का समाधान करेगा। कहा गया है कि ये मंच चाहे अमेरिका के हों या यूरोप के, अगर भारत में परिचालन करते हैं तो उनके सामुदायिक दिशा निर्देश भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों के विरोधाभासी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इन मंचों का दायित्व है कि कोई भी गलत जानकारी, गैरकानूनी सामग्री या विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली सामग्री को 72 घंटे के बीच हटा दिया जाए। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी छठ पूजा की बधाई। पीएम मोदी ने बीते दिन मन की बात के अपने 94वें एपिसोड की शुरुआत में लोक आस्था के महापर्व छठ की पूजा की बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गाँव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। आगे उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही यह संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। छठ का पर्व एक भारत, श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने वाला है। सीएम नीतीश ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया अर्घ। गंगा घाट पहुंचे तेजस्वी यादव। 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। आम से लेकर खास तक भगवान सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। एक और यहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के निकट सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया तथा राज्यवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीघा के मीनार घाट पर जाकर भगवान भास्कर को अर्घ देकर राज्य में सुख शांति की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। नीतीश के बाद अब मांझी भी राजद उम्मीदवार के लिए नहीं करेंगे प्रचार। बिहार में मुकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें अब महज 2 दिन शेष रह गए हैं। 3 नवंबर को चुनाव होना है। इसको लेकर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने ही सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट में चोट का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी, तो वहीं अब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को दूसरा झटका दे दिया है। नीतीश के बाद अब चार से मांझी भी आउट हो गए हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि जीतन राम मांझी आरजेडी के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। उन्होंने इसके लिए मांझी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। हालांकि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दोनों जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे।
प्रशांत किशोर ने बताया भाजपा को रोकने का फॉर्मूला। जनसराज के अध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को जो भाजपा दिख रही है वो सिर्फ झाग है, नीचे आरएसएस है। जनसराज पद यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के लौरिया में उन्होंने कहा कि मैंने कई राज्यों में भाजपा को हराने में कंधा लगाया है। 10 साल अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने के बाद समझ में आया कि बीजेपी को विचारधारा की लड़ाई से रोका जा सकता है। 10 साल अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने के बाद समझ में आया कि बीजेपी को विचारधारा की लड़ाई से ही रोका जा सकता है। चाहे 10 साल लगे या 15 साल, इस विचारधारा के विरोध में मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम ने मुझे कई बार आमंत्रण दिया, फिर मैं नहीं गया। उन्होंने कहा कि जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए जब मुझे पता चला कि मेरी पार्टी ने CAA NRC के पक्ष में वोट किया है, तो मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि ऐसा क्यों है। तब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं दौरे पर था, मुझे पता नहीं लगा, मगर हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। चिराग पासवान भाजपा के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार में होने वाले दोनों सीटों पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। बीते दिन पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर ही पार्टी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान आज मोकामा में रोड शो करेंगे और कल यानी 1 नवम्बर को गोपालगंज में कार्यक्रम करेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि शनिवार की देर रात उनकी मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। करीब 50 मिनट तक की मीटिंग चली। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे बिहार कांग्रेस के इकलौते लोकसभा सांसद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में देश के बड़े बड़े कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं। तो वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार के इकलौते सांसद डॉक्टर जावेद आजाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ किशनगंज सांसद ने भी पदयात्रा की और राहुल गांधी के साथ बिहार में कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। भारत के वर्तमान सरकार ने भारत को धर्म के आधार पर जिस तरह बांटने का प्रयास किया है उसे अब लोग समझ गए हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद केएल राहुल के फ्लॉप शो पर आग बबूला हुए फैंस। टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल का फ्लॉप शो T20 वर्ल्ड कप में जारी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केएल राहुल के फ्लॉप शो से टीम इंडिया के फैंस भी काफी नाराज हैं। कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि T20 में सबसे बड़ा फ्रॉड केएल राहुल ही है, जबकि कुछ फैंस ने लिखा कि केएल राहुल सिर्फ ऑरेंज कैप के लिए रन बनाते हैं, कभी भी टीम के लिए रन नहीं बनाते हैं। वहीं कुछ ने केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल करने की मांग की है। बता दें कि बीते दिन खेले गए T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से 5 विकेट से शिकस्त मिली। भारत द्वारा 133 रनों के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 2 गेंद और 5 विकेट शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी, विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का जन्म 1889 में हुआ। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CN नायडू का जन्म 1895 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म 1943 में हुआ। बंगला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिन देव बर्मन का निधन 1975 में हुआ। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध पंजाबी एवं हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 2005 में हुआ। भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पनामा नहर को तैर कर पार किया। बंगाल की खाड़ी में 1960 को आए चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की जान चली गई। वायरल खबर में आज बात होगी फर्जी वेबसाइट की। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक फर्जी वेबसाइट की। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट samagrashiksha.org समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में विभिन्न पदों के लिए नौकरी प्रदान करने का दावा कर रही है। PIB ने आगे लिखा कि यह वेबसाइट सरकार से संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी के लिए आप samagra.education.gov.in को देखें। ट्विटर बढ़ा सकता है 280 कैरेक्टर की लिमिट। ट्विटर पर किसी ट्वीट को करने के लिए 280 कैरेक्टर ही मिलते हैं। इस लिमिट के बाद यूजर्स को शब्दों को कम करना पड़ता है, जिसके कारण यूजर्स को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब ये परेशानी जल्द दूर हो सकती है। एलन मस्क ट्विटर को संभालने के बाद कई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्विटर अब जल्द ही अपनी 280 कैरेक्टर की सीमा को बढ़ा सकती है। मस्क से यह बात एक यूज़र को जवाब देते हुए बताई है, जिसने उनसे सवाल पूछा था कि क्या हम कैरेक्टर
सीमा से मुक्ति पा सकते हैं या फिर इसका विस्तार कर सकते हैं? इसके सवाल का जवाब देते हुए मस्क ने कहा, बिल्कुल। ट्रिपल आर बनी जापान में रिलीज हुई सबसे बड़ी इंडियन फिल्म। दुनिया भर में करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर को जापान में रिलीज किया गया। 21 अक्टूबर को जापान में रिलीज हुई इस फिल्म को खूब सराहना मिल रही है। ये फिल्म इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। जापान में अच्छी कमाई कर रही ट्रिपल आर फिल्म को 44 शहरों में रिलीज किया गया है। ये फिल्म जापान में रिलीज हुई सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को 209 स्क्रीन्स और 31 मैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिपल आर ने जापान में 73 मिलियन जापानी करेंसी का कलेक्शन कर ली है। इस तरह से ट्रिपल आर जापान में हाईएस्ट ग्रॉसर विदेशी फिल्म बन चुकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धीरज कुमार हिरानी, संजय शर्मा, कुश कुमार यादव, महेंद्र कुमार माही, सुरेश साह, मृत्युंजय कुमार, अतीक खान, कुलदीप कुमार, मुकेश पासवान, अमन कुमार और रहमान शेख। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इस महापर्व छठ को आप अपने परिवार के साथ मनाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।